अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहु, वेलकम बैक। मैं हूँ अहमद और आज हम बात कर रहे हैं होलोग्राम के बारे में कि कैसे आप एक होलोग्राम वीडियो बना सकते हैं। लेकिन सबसे पहले मैं एक बात क्लियर कर दूं कि अगर किसी बंदे ने ये सोच के इस वीडियो के ऊपर क्लिक किया है कि इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं कि आप कैसे एक होलोग्राम क्रिएट कर सकते हैं, कैसे आप एक ओरिजिनल होलोग्राम बना सकते हैं, तो भाई इस वीडियो में ऐसी कोई बात नहीं है। हम जस्ट एडिटिंग की बात कर रहे हैं कि कैसे आप एडिटिंग को यूज़ करते हुए एक टच स्क्रीन होलोग्राम वीडियो बना सकते हैं। तो जहाँ तक ओरिजिनल होलोग्राम की बात है, तो अगर ये दुनिया के किसी कोने में पाया भी जाता है, ये टेक्नोलॉजी अगर मौजूद भी है, तो पब्लिकली ये टेक्नोलॉजी अभी तक लॉन्च नहीं की गई। और इसके अलावा अगर आपने कोई टेक्नोलॉजी इस तरह की होलोग्राम वीडियोज़ देखी भी हैं मूवीज़ में, ड्रामों में या फिर कार्टून में, या फिर इसके अलावा यूट्यूब पर कहीं भी ऐसी वीडियोज़ देखी हैं, तो वो जस्ट कंप्यूटराइज क्रिएटेड होती हैं। वो एडिटिंग को यूज़ करते हुए ऐसी वीडियोस बनाई गई होती हैं। तो भाई आज हम यही होलोग्राम एडिटिंग अपने काइन मास्टर में करेंगे, यानी कि बहुत एडवांस लेवल की नहीं होगी, थोड़ी बेसिक लेवल की होगी। यानी कि हम एक बेसिक लेवल की एप्लीकेशन को यूज़ करते हुए एक बेसिक लेवल का टच स्क्रीन होलोग्राम बनाएंगे, टच स्क्रीन होलोग्राम वीडियो एडिट करेंगे। तो इसमें हम डिफरेंट टेक्निक्स में आपको बताऊंगा कि कैसे आप डिफरेंट वीडियोस बना सकते हैं, डिफरेंट टाइप की वीडियोस बना सकते हैं, एक सिंपल वाली वीडियो बना सकते हैं, थोड़ी सी एडवांस और इससे भी थोड़ी सी अच्छी वाली वीडियो आप कैसे बना सकते हैं। तो डिफरेंट टेक्निक के बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे। तो भाई सबसे पहले चलते हैं कि भाई आपने इस वीडियो को शूट कैसे करना है। अगर आपने काइन मास्टर में इसको एडिट करना है, तो आपको अपना कैमरा बिल्कुल स्टिल रखना पड़ेगा। तो आपने वीडियो इस अंदाज़ में शूट करनी है, आपने अपने मोबाइल को ट्राइपॉड पे लगा लेना है और आपने कैमरे के सामने खड़े होकर इस अंदाज़ में एक्टिंग करनी है कि भाई आप टच स्क्रीन होलोग्राम के ऊपर टच करके उसके ऊपर वर्किंग कर रहे हैं। आपके माइंड में सारा स्केच होगा कि भाई आपने एडिटिंग के दौरान अपने इस टच स्क्रीन के आगे क्या लगाना है। आप आया इसमें कंप्यूटर की स्क्रीन लगाएंगे, इसके आगे कुछ पिक्चर्स लगाएंगे, या फिर आप अपने मोबाइल की स्क्रीन रिकॉर्डिंग लगाएंगे, आप इसके आगे क्या लगाना चाहते हैं। तो इसी अंदाज में आपने अपनी माइंड की प्लानिंग के मुताबिक एक्टिंग करनी है। और एक्टिंग करने के बाद आपने इस जब वीडियो को बना लेंगे, तो हम इसको एडिट करने के लिए चलते हैं काइन मास्टर में। तो आप जब अपनी वीडियो को काइन मास्टर की मेन लेयर के ऊपर ले आएंगे, तो उसके बाद आपको चाहिए एक अदद होलोग्राम वाली वीडियो। तो होलोग्राम वाली वीडियो आपकी कोई भी वीडियो हो सकती है, आपके मोबाइल की स्क्रीन रिकॉर्डिंग हो सकती है, आपकी पीसी की स्क्रीन रिकॉर्डिंग हो सकती है, या फिर आप यूट्यूब से कोई वीडियो डाउनलोड कर सकते हैं, ग्रीन स्क्रीन होलोग्राम के नाम से आपको वीडियो डाउनलोड कर सकते हैं। तो आपको एक बहुत बड़ी तादाद में ऐसी वीडियोस मिल जाएंगी जो आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो आपने जस्ट करना क्या है, आप अपनी वीडियो को दूसरी लेयर में ले आएंगे, जैसे कि आप इस वीडियो में देख रहे हैं। तो मैं इसकी ओपेसिटी को कम करूँगा। अगर आपकी वीडियो में ग्रीन स्क्रीन है, तो आप उसकी ग्रीन स्क्रीन को रिमूव करेंगे तो जस्ट आपका होलोग्राम बन जाएगा। अगर नहीं है, तो आप उसकी ओपेसिटी को कम करेंगे और आप ऐसे लगेगा कि भाई आप होलोग्राम आपके सामने चल रहा है और बस आपने इसमें एक्टिंग करनी है, मज़ीद इसमें आपने कुछ मेहनत नहीं करनी। वेरी बेसिक टच स्क्रीन होलोग्राम है, इसमें आपको कुछ नहीं करना और ये आप बहुत जल्द बना सकते हैं, इसके लिए आपको ज़्यादा टाइम स्पेंड नहीं करना पड़ेगा। अब आते हैं दूसरे लेवल के ऊपर कि दूसरे लेवल में आप डिफरेंट स्लाइड शो रख सकते हैं। आप एक्टिंग कर रहे हैं, एक्टिंग में आप एक ख़ास अंदाज में एक्टिंग कर रहे होंगे, जैसे कि मैंने आपको वीडियो से पहले बताया कि आपके माइंड में एक प्रॉपर प्लानिंग होगी कि किस अंदाज में आप वीडियो को एडिट करेंगे। इसमें आप अपने मोबाइल की स्क्रीन को रिकॉर्ड कर लें, आप जिस अंदाज में आपने अपनी मोबाइल की स्क्रीन को रिकॉर्ड करना है, उसी अंदाज में आपने अपनी वीडियो बनाने के दौरान एक्टिंग करनी है। जैसे कि आप ये वाली वीडियो में देख रहे हैं कि इसमें मोबाइल की स्क्रीन रिकॉर्डिंग की गई है और मैं उसी अंदाज में एक्टिंग कर रहा हूँ और इसी अंदाज में अपने हाथों को मूव कर रहा हूँ कि भाई ये मैं टच स्क्रीन होलोग्राम के ऊपर वर्किंग कर रहा हूँ। तो इसी तरह आपने अपनी मोबाइल की स्क्रीन की रिकॉर्डिंग करके इसको यहाँ पर एडजस्ट करना है और इसको आपने आगे पीछे मूव करके जहाँ पर आपकी एक्टिंग के मुताबिक ये बिल्कुल एडजस्ट हो रहा है वहाँ के ऊपर, वहाँ पर आपने इसको एडजस्ट कर देना है।
अपने टच स्क्रीन वाले होलोग्राम को अपनी एक्टिंग के मुताबिक एडजस्ट करने के बाद अगर आप इसमें मज़ीद इम्प्रूवमेंट करना चाहते हैं तो आप इसके ऊपर कलर ग्रेडिंग कर सकते हैं। कलर ग्रेडिंग में अगर आप इसके ऊपर ब्लू शेड अप्लाई करते हैं तो मेरे ख्याल से ये ज़्यादा अच्छा दिखेगा, क्योंकि जैसी जितनी भी आपने वीडियोस देखी होंगी इसमें एक होलोग्राम की जो लुक नज़र आ रही होती है वो थोड़ी ब्लू शेड में होती है, ब्लू टाइप की होती है, तो इसमें वो इस वजह से आपका एक होलोग्राम में मज़ीद एक इम्प्रूवमेंट होगी, वो मज़ीद अच्छा दिखेगा। तो एक मज़ीद आपको एक टिप दूंगा कि अगर आप एक सिंपल होलोग्राम बनाना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि एडिटिंग के दौरान आपको ज़्यादा मुश्किलात का सामना ना करना पड़े, आप आसानी से एडिट कर लें, तो आप अपनी वीडियो को सिंपल रखें। आप जिस वीडियो को स्क्रीन को रिकॉर्डिंग कर रहे हैं और आप अपनी एक्टिंग रखें, इसको शॉर्ट रखें और सिंपल रखें, ज़्यादा इसमें एक्टिंग ना करें। तो जितनी आप सिंपल रखेंगे आप उतनी आसानी से इसको एडिट कर पाएंगे, लेकिन अगर आप जितनी अच्छी वीडियो बनाना चाहते हैं तो उसके लिए आपको उतनी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। मज़ीद अगर आप इस तरह की होलोग्राम के हवाले से वीडियोस देखना चाहते हैं तो वो भी हमारे चैनल के ऊपर मौजूद हैं, तो आप इस आई के बटन के ऊपर क्लिक करके वो वीडियोस देख सकते हैं। लेकिन अगर आप यूट्यूब के अलावा कहीं देख रहे हैं तो आप हमारा यूट्यूब चैनल विज़िट कर सकते हैं, जहाँ पर आपको होलोग्राम वीडियोज़ मज़ीद भी देखने को मिलेंगे कि भाई आप अडोबी प्रीमियर प्रो के ऊपर होलोग्राम एडिटिंग कैसे कर सकते हैं। इसके अलावा भी काइन मास्टर के हवाले से आपको मिलेंगी वीडियोस, और इसके अलावा कुछ चीज़ें जो हर वीडियो में कॉमन होती हैं, जैसे कि आप इसकी कलर ग्रेडिंग कर सकते हैं, इसमें साउंड इफेक्ट लगा सकते हैं, और ये चीज़ें करके आप इस वीडियो को रेंडर कर लें, आपकी वीडियो रेडी है। एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग द कम्प्लीट वीडियो। अगर आप इस तरह की मज़ीद वीडियोज़ देखना चाहते हैं तो आप हमारा यूट्यूब चैनल विज़िट कर सकते हैं। मिलते हैं किसी और वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।